अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रोशे क्राफ्ट पाकिस्तान। आज इस ट्यूटोरियल में मैं आपको ये फ्लावर बनाना सिखाऊंगी। इसका मिडल पार्ट मैं ऑलरेडी आपको लास्ट ट्यूटोरियल में सिखा चुकी हूँ, ठीक है। आज हम इसका बैक पार्ट बनाएंगे इस फ्लावर का। चलिए स्टार्ट करते हैं। वही डबल स्टैंड हम यूज़ कर रहे हैं। मोटिफ हमारे सभी डबल स्टैंड से बनेंगे और हुक साइज़ 2 mm या 2.5 mm डबल स्टैंड लेंगे। इस तरह से हम मैजिक सर्कल बनाएंगे, ठीक है। और इस तरह से ये मैजिक सर्कल बना लिया। यहाँ पे हम करेंगे चेन 3, 1, 2, 3। चेन 3 काउंट होगा एज फर्स्ट डबल क्रोशे, ठीक है। हमें मुझे इस सर्कल में टोटल 16 डबल क्रोशे बनाने हैं। 16 डबल क्रोशे मुझे बनाने हैं इस सर्कल में। चेन 3 बनाई, काउंट हुआ एज फर्स्ट डबल क्रोशे, मीन्स कि मेरा पहला डबल क्रोशे बन गया। अब आगे मैं डबल क्रोशे बनाना स्टार्ट करूँगी और मुझे इस सर्कल में चाहिए टोटल 16 डबल क्रोशे। ठीक है, ये डबल क्रोशे कंप्लीट करके सर्कल में मैं आपको आगे गाइड करती हूँ। जी ये मैंने 16 डबल क्रोशे बना लिए हैं। यहाँ पे मैं अपने इस जो मैंने सर्कल बनाए थे सो मैं करूँगी पुल और इस रिंग को कर दूँगी क्लोज, ठीक है। और जो मैंने स्टार्ट में 3 चेन्स ली थी उसकी 3rd चेन में मैं यहाँ पे कर दूँगी स्लिप स्टिच और अपनी इस रो को कर दूँगी क्लोज। जी ये मैंने इस तरह से अपना जो है सर्कल कर दिया है क्लोज स्लिप स्टिच से। अब यहाँ से नई न्यू रो स्टार्ट होगी। न्यू रो स्टार्ट करने के लिए हम लेंगे चेन 1 और सिंगल क्रोशे करेंगे उसी चेन में जहाँ पर मैंने स्लिप स्टिच किया था, ठीक है, सिंगल क्रोशे। अब मुझे सेकंड डबल क्रोशे करना है स्किप, ठीक है। ये सेकंड डबल क्रोशे है और 3rd डबल क्रोशे में मैं बनाऊँगी 8 डबल क्रोशे, ठीक है। फर्स्ट में सिंगल क्रोशे बनाया, सेकंड स्किप किया और 3rd में बनाऊँगी 8 डबल क्रोशे। ये सभी डबल क्रोशे एक ही स्टिच में बनेंगे। ये हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। 8 डबल क्रोशे बनाए। उसके बाद मैंने फिर 4th स्किप किया और उससे नेक्स्ट में कर दूंगी सिंगल क्रोशे, ठीक है। सिंगल क्रोशे स्किप किया, नेक्स्ट 3rd में बनाए 8 डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट स्किप किया और उससे नेक्स्ट में मैंने किया सिंगल क्रोशे। इसी तरह से हमने ये रो कम्प्लीट करनी है। फिर मैं नेक्स्ट करूँगी स्किप, ठीक है, और उससे नेक्स्ट में मैं बनाऊंगी 8 डबल क्रोशे, सेम जैसे मैंने पहले किया था। इसी तरह से हमारी ये रो कंप्लीट होगी। मैं यहाँ पे बनाऊंगी 8 डबल क्रोशे, नेक्स्ट करूंगी स्किप और उससे नेक्स्ट में होगा सिंगल क्रोशे, फिर नेक्स्ट करूंगी स्किप, उससे नेक्स्ट में फिर उससे नेक्स्ट में फिर 8 डबल क्रोशे। इस तरह से ये रो मैं कंप्लीट करके आपको आगे गाइड करती हूँ। जी ये मेरी लास्ट पेटल बन रही है। ये मैंने 8 डबल क्रोशे बनाए हैं। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट करूँगी स्किप और जो मैंने सबसे पहले सिंगल क्रोशे बनाया था मैं वहाँ पर कर दूँगी स्लिप स्टिच, तो मेरी ये रो भी हो जाएगी कंप्लीट, ठीक है। इस तरह से ये 4 पेटल्स बनेंगी। अब हमने काम करना है इन 8 DC पे। अच्छा, इस एक पेटल पे हम लोग हमारा सेम पैटर्न चलेगा हर पेटल पे, ठीक है। मैं एक पेटल गाइड कर देती हूँ जो कि एंड तक हमारा सेम पैटर्न चलेगा। सिंगल क्रोशे पे कर दिया स्लिप स्टिच, नेक्स्ट डबल क्रोशे जो फर्स्ट डबल क्रोशे है यहाँ पे हमारा 8 का है, ठीक है। 8 का शेल बना हुआ है, हम पहले डबल क्रोशे में करेंगे सिंगल क्रोशे, उससे नेक्स्ट डबल क्रोशे में सेकंड डबल क्रोशे में बनेगा हाफ डबल क्रोशे। हाफ डबल सबको आता है, ठीक है। और इसके बाद जितने आगे 4 डबल क्रोशे हैं हम हर एक डबल क्रोशे में हर डबल क्रोशे में बनाएंगे 7 डबल क्रोशे, ठीक है। मींस पहले 2 में हो गया सिंगल क्रोशे और हाफ डबल, उसके बाद हम जो है नेक्स्ट 4 में हम क्या करेंगे हर डबल क्रोशे में बनाएंगे 7 डबल क्रोशे। पाँच 6 7
ठीक है, ये 60 डबल क्रोशे मैंने बना लिए इसे एक डबल क्रोशे में। उसके बाद इसी तरह से मैंने आगे 3 डबल क्रोशे में भी सेम पैटर्न चलेगा, हर एक डबल क्रोशे में 60 डबल क्रोशे। ठीक है, इस तरह से हम ये पैटर्न कंप्लीट करेंगे। देखें, 8 का शेल था, पहले में किया सिंगल क्रोशे, सेकंड में किया हाफ डबल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ में हम करेंगे इसी तरह से हर एक डबल क्रोशे में 60 डबल क्रोशे। उसके बाद लास्ट पे 2 डबल क्रोशे बच जाएंगे, तो वो हम सेम जिस तरह से हमने इसकी ये रो स्टार्ट की थी उसी तरह से हम एंड करेंगे, डबल क्रोशे और सिंगल क्रोशे पे एंड करेंगे। ठीक है, और जो दरमियान के चार जो डबल क्रोशे हैं उस पर हम हर एक डबल क्रोशे पे बनाएंगे 7 डबल क्रोशे। इस तरह से ये कंप्लीट होगा। ठीक है, यहाँ पे 7 डबल क्रोशे बन गए, अब नेक्स्ट में भी 7। इस तरह से लेके चलना है इन पेटल्स को। मैं ये डीसी जो है जो मैं इंक्रीज कर रही हूँ ये मैं कंप्लीट करके थोड़ा सा आपको आगे गाइड करती हूँ कि हमने इस पेटल को एंड किस तरह करना है। जी, ये मेरे इंक्रीजिंग डीसी जो है ये मेरे हो गए कंप्लीट। अब मेरे पास बचे हैं यहाँ पे शेल में लास्ट 2 डबल क्रोशे बच गए हैं। ठीक है, तो हम उसी तरह से एंड करेंगे जैसे हमने स्टार्ट किया था। ये सेकंड लास्ट में हम करेंगे हाफ डबल और आखिरी डबल क्रोशे में करेंगे सिंगल क्रोशे। और उसके बाद ये जो दरमियान में शेल्स के दरमियान में भी सिंगल क्रोशे था वहाँ पर हम करेंगे स्लिप स्टिच। तो सेम मेथड से हमने अपनी ये सारी पेटल्स कंप्लीट करनी है। देखें, ये एक पेटल रेडी हुई है। ठीक है, हमने इसे एक पेटल पे इस तरह से ये आठ शेल का पेयर, 8 शेल डीसी का शेल है उसमें स्टार्ट में दो डबल क्रोशे पे किया सिंगल क्रोशे और हाफ डबल। उसके बाद दरमियान के चार भी हमने ये इंक्रीजिंग डीसीज बनाए। उसके बाद एंड भी हमने उसी तरह किया हाफ डबल और सिंगल क्रोशे पे। और उसके बाद जो हमारा दरमियान में सिंगल क्रोशे था वहाँ पे हमने स्लिप स्टिच किया। उसके बाद अब ये न्यू पेटल स्टार्ट होगी ये। ठीक है, ये जो है 8 डीसी हैं उसी तरह से हमने करना है। पहले डीसी में सिंगल क्रोशे, सेकंड में हाफ डबल, फिर अगले 4, 1, 2, 3, 4 इनमें हम इन ईच डीसी करेंगे 7 डबल क्रोशे। ठीक है, उसके बाद फिर एंड पे बच जाएंगे आपके पास 2 डबल क्रोशे। यहाँ दो एंड पे सेकंड लास्ट पे करेंगे हाफ डबल और सबसे लास्ट पे करेंगे सिंगल क्रोशे। और उसके बाद जो दरमियान में सिंगल क्रोशे है उस पर हम करेंगे स्लिप स्टिच। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये सारी पैटल्स 4 कंप्लीट हो जाएंगी। ये पैटल्स कंप्लीट करके मैं आपको आगे गाइड करती हूँ। जी, ये मेरी चारों पैटल्स कंप्लीट हो गई हैं। इसकी इस तरह से लुक आएगी। ठीक है, आपने इसको जब हमारी लास्ट पैटल ख़त्म होगी तो आपने एंड पे स्लिप स्टिच कर देना और अपनी टेल को कर देना कट। इसको हम बैक पे करेंगे सीयू और सिक्योर करेंगे बाद में। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है, हमने जो मिडिल पार्ट बनाया था कल, ठीक है, अब इसके दरमियान में हमने इसको अटैच कर देना है। ठीक है, ये जो हमने दरमियान में ये सर्कल बनाया था वहाँ पे इसको हम अटैच करेंगे इस तरह से सीयू करेंगे। ठीक है, हमने इसकी ये टेल छोड़ी थी, इसी टेल के थ्रू हम इसे इस फ्लावर के साथ सीयू कर देंगे दरमियान में, मिडल में, मिडल सर्कल जो हमने बनाया हुआ था उसी में। ठीक है, इस तरह से आपने इसको सीव कर दिया। इसको अच्छे से सिक्योर करना है मिडिल पार्ट से। ये देखिए, ठीक है, इस तरह से ये इस पर अटैच हो गया। अब हम बैक साइड से जितनी भी टेल्स हैं आपने इसको करना है नीडल के साथ, आपने इसको सीव करके। और जो लोग पैराशूट चूज़ कर रहे हैं वो इसको जला देंगे सिक्योर करने के लिए। जो एंकर यूज़ कर रहे हैं उनको जलाने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ इन टेल्स को सिक्योर करेंगे। इन सब टेल्स को हम सिक्योर करेंगे, इस तरह से हमारे पास ये एक फ्लावर रेडी हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकी हूँ। गाँव में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।